ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते रोज बुधवार को हुए बड़े सियासी घटनाक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के साथ ही महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन की सरकार जा चुकी है। उद्धव लाख कोशिशों के बाद भी शिवसेना के बागियों को अपने पाले में नहीं कर पाए और बहुमत कोटा देख खुद इस्तीफा दे दिया। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच राज्यसभा सांसद और शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने जहां बीजेपी को आड़े हाथ लिया तो वहीं बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शिवसेना फिर से उठेगी और एक शिव सैनिक फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। उद्धव ठाकरे हमारे नेता है, उन्हें जिस तरह का समर्थन है वह अंत तक लड़ेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात फेसबुक पर लाइव के दौरान मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ठाकरे के इस्तीफे की घोषणा के बाद शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे के रूप में एक समझदार और सभ्य मुख्यमंत्री खो दिया है जिन्होंने शालीनता से पद छोड़ दिया है। इसके साथ ही रावत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का आभार जताते हुए कहा कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का मार्गदर्शन किया और कांग्रेस सरकार से साथ रही। संजय रावत ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि वह 2019 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए बाल ठाकरे के बेटे उद्धव को राजी करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भी आभारी है। शरद पवार का शुक्रिया अदा करते हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत ने आगे कहा कि शरद पवार ने हमेशा अपना मार्गदर्शन दिया। जब उनके लोग उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे, पवार मजबूती से उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े रहे। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शालीनता से पद छोड़ दिया है, हमने एक समझदार और सभ्य मुख्यमंत्री खो दिया है। राज्यसभा सांसद संजय रावत ने आगे कहा कि वे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और जेल जाने को तैयार है। ट्वीट करते हुए रावत ने कहा कि धोखेबाजों का अंत कभी अच्छा नहीं होता और इतिहास उसे साबित कर सकता है। अब यह शिवसेना की भारी जीत की शुरुआत है। हम लाठियों का सामना करेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को जिंदा रखेंगे। संजय रावत ने आगे कहा कि सत्ता आती जाती है और यहाँ कोई भी स्थायी रूप से सत्ता में रहने के लिए नहीं है। न्याय अवश्य होगा, यह अग्नि परीक्षा का समय है, ये दिन जल्दी बीत जाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मुंबई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।